गाइस, ये औरत ने एक अंगूठी पहनी थी। दिखाओ, पहन के दिखाओ ना यार, ऐसे थोड़ी। ये आ गया, देखिए हमारा ऑर्डर, कॉफी हो गया। मुंह कोई नहीं देख रहा, मैं भी नहीं देख रहा हूँ। मैं अब चल रहे हैं घर। हाय गाइस, सुबह की 9 बजे की गुड मॉर्निंग के साथ शुरू हो चुका है आज का नया व्लॉग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ और हो गया हूँ रेडी जाने के लिए अपने वर्क पे। तो थोड़ी देर में निकलता हूँ मैं। और कल रात भाई बड़ी भयंकर बारिश, आपने कल के व्लॉग में मेरा देख ही लिया होगा। रात को 1:30 बजे मैं ऊपर से नीचे आया अपना बिस्तर लेके, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट और पटाखे फूट रहे और लाइटें चमक रही थी। तो मैं और कल्पना थे ऊपर, हम नीचे आ गए, फिर नीचे आके सोया मैं ब्लॉग एंड करके। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, अभी निकलता हूँ मैं कोर्ट को। रास्ते से मैंने पार्सल भी लेना है, कल आने वाला था पार्सल, रंजे के लिए कुछ मंगाया था तो वो कल आ नहीं पाया, डिलीवरी हो नहीं पाई, डिलीवरी फेल हो गई। तो आज कॉल आया था तो मैं आज वहीं से ऑफिस से ले लूँगा। कह रहे थे बड़ा पार्सल है, आप रास्ते से ही ले लेना, तो मैं रास्ते से ही ले लूँगा। अभी दिखाऊँगा आपको, पार्सल लेके जाऊँगा कोर्ट को। और देखिए पीछे आप देख रहे होंगे मेरे, मस्त एकदम चीकू का पेड़ हो रहा है, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम चीकू हो रहा है। और आजकल तो पकने भी लग गए, पक के गिर रहे हैं, और इतना मीठा चीकू है। अब मैं खिला तो सकता नहीं हूँ आपको, लेकिन जो भी देख रहे हैं, जो जानते हैं, वो घर आके खा सकते हैं। बिल्कुल जो घर आएगा उसको खिला दिया जाएगा, अगर पके होंगे तो नहीं तो गारंटी नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चलिए फ़िलहाल मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे हो जाएगी लेट, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड, तो चलिए चला जाए। तो गाइज मिलते हैं सीधे अब कोर्ट पहुँच के, अगर टाइम हुआ तो, नहीं तो फिर उसके बाद। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइज, ले लिया है डब्बा मैंने पार्सल का, यहाँ पर था ऑफिस, ये है। तो फिलहाल गाड़ी में रख दिया है, अब इसको अनबॉक्सिंग तो घर जाके ही करेंगे। स्ट्रॉलर मंगाया था मैंने प्रांजय के लिए, तो स्ट्रॉलर की अनबॉक्सिंग होगी घर जाके। फिलहाल चलता हूँ मैं काम निपटा के, फिर घर आके करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो चलिए। तो गाइस पहुँच गया हूँ HDM कोर्ट, चला जाए फिर अंदर को। तो गाइस निकल गया हूँ HDM कोर्ट से, निपट गया है काम, अभी जा रहा हूँ ऊपर को। तो देखते हैं कहाँ को जाते हैं। और आसमान देखिए कितना अच्छा लग रहा है सामने, मस्त एकदम। आ गए हैं, देखिए दिखाओ कहाँ हैं हम। तो थोड़ा सा अभी काम निपटा के आए हैं रिप्लेसमेंट के लिए, तो दिखाता हूँ आपको। ये है हमारी बीबी श्री, बीबी श्री डोंट क्विट। ये देखिए बहुत सुंदर रेस्ट्रो है, और छोटा सा बढ़िया मस्त एकदम, अकेले बैठने के लिए थोड़ा टाइम, अकेले टाइम काटने के लिए अच्छा है साथ में बीबी के। तो हम करते हैं एंजॉय फिलहाल बढ़िया करके, मिलेंगे ठीक है। जी आ गया, देखिए हमारा ऑर्डर, कॉफ़ी, मोमो और सैंडविच। तो खा लेते हैं इन चीज़ों को, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी खा पी के निपटा के। ये तो एक ही मोमो खाएगी, बाकी मैं खाऊंगा। गाइस ये औरत ने एक अंगूठी पहनी थी, दिखाओ, पहन के दिखाओ ना यार, ऐसे थोड़ी। ये दोनों डायरेक्शन में था इसका रॉकेट, एक इसका ये है, ये अंगूठी कुछ कुछ ऐसी थी, ऐसी तो थी, ये अंगूठी कुछ ऐसी थी, और ये अंगूठी अब और ये देख ऐसे रही है जैसे मैंने तोड़ दी, जब टूटी तो जैसे मैंने तोड़ दी, मेरे से टूट गई होगी जैसे वो। एक ही दिन पहले थी, मैंने पहले दिन मैं तुमसे कह रहा था ऐसी अंगूठी क्या पहनी है, नजर लग गई। नहीं मंगाई थी मैंने ऑनलाइन, तभी तो कहता हूँ ऐसी, ये इंस्टाग्राम से मंगा के ऐसी चीजें मत पहना करो। मैं तो तुमसे कहने वाला था तुम्हारे लिए ऐसी सोने की बना दूंगा करके। चलो अभी झूले पे दूर नहीं है,
है, ऊपर लिखा भी है डोंट क्विट, डोंट क्विट। चलो जुगलन को थोड़ा दूर छोड़िए। तो गाइस सब कुछ खाना पीना हो गया है और फिलहाल बिल नहीं पे किया है हमने, अभी बिल पे करेंगे फिर जाएंगे। अभी फिलहाल बाहर की ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। देखिए पीछे बैकग्राउंड कितना अच्छा है, बहुत अच्छा, और खाना भी बहुत टेस्टी है मस्त एकदम। तो इन्जॉय कर लिया है। और मैंने एक मोमो भी नहीं खाया। हाँ इसने एक मोमो भी नहीं खाया, आधा खाया और रख दिया, और सैंडविच खाया। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे लगे वो मोमो, लेकिन इसको अच्छे नहीं लगे। इसने पिछले एक साल से मोमो खाए ही नहीं थे प्रेगनेंसी में पूरी, फास्ट फूड कुछ भी नहीं खाया था तो अच्छा नहीं लगा। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मैंने खाए पूरे वो। तो अब हम निकलते हैं घर को, चले फिर, चले चले। ओके चलो फिर। जैक डेनियल्स पकड़ी हमने। लेट्स गो। पक्का? तो चलिए चलें। गाड़ी खड़ी है ये, और हम आए थे यहाँ कैफे में, फोटो ही खींचे हैं अब, और कोई काम नहीं है हमारा। तो गाइज निकलते हैं यहाँ से, बज गए हैं 2:30 और प्रांजय के उठने का भी टाइम हो गया है अब, क्योंकि प्रांजय को सुला के आए हैं। तो अब हम चलते हैं, चलें फिर। हो गया, मुंह कोई नहीं देख रहा। मैं देख रही हूँ। हाँ कोई नहीं देख रहा, मैं भी नहीं देख रहा हूँ, मैं अब चल रहे हैं घर। तुम मत देखो। तो चलते हैं हम। तुमने वो कोट नहीं सुना? We don't dress up for boys, we dress up for ourselves. हाँ अच्छा? Yes. Yes. Sometimes you have to dress up for your husband also. सेहत के लिए अच्छा रहता है ना। वीडियो बनाने में लगे हो, एक तो मेरी रिंग तोड़ गई। मैंने नहीं तोड़ी। तो गाइस दिन के बज गए हैं 3:30 और बिल्कुल एकदम चटक धूप आ रही है, गर्मी भी हो रही है, और मैं निकल गया हूँ घर को। तो अब मैं घर पहुँच के मिलता हूँ आप लोगों से, आराम से करेंगे बात। तो गाइस पहुंच गया हूँ फाइनली घर, शाम के बज रहे हैं 4 और कर लेते हैं चेंज अंदर जाके। पहले निकाल लूँ डब्बा, इसकी अनबॉक्सिंग भी होगी आज। तो चलिए इसको रख के मिलता हूँ अभी उसको भी। ये देखिए एक हाथ से ले जा रहा हूँ उठा के। तो गाइस चेंज वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है और हो गई है शाम, बज गए हैं शाम के 6। आज शाम को शादी में भी जाना है। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा घूम के आता हूँ, माइंड फ्रेश करके आता हूँ, फिर शाम को जाएंगे बारात में। बने रहिएगा व्लॉग में, दिखाऊंगा बारात का व्लॉग। और ये देखिए डब्बा ला के ऐसे ही रखा हुआ है, अभी आज बिल्कुल टाइम नहीं हुआ इसको खोलने का। तो अब इसको अनबॉक्स करेंगे कल, कल इसकी अलग से मैं एक अनबॉक्सिंग की वीडियो डालूंगा। तो बने रहिएगा व्लॉग में, देखते रहिए व्लॉग को। अभी आगे को बहुत लंबा चौड़ा व्लॉग है, तो बने रहिए, इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइज हो गया हूँ मैं रेडी जाने के लिए शादी में। 2 जगह जाना है शादी में हमने, एक तो कल जहाँ हम कल गए थे व्लॉग में आपने देखा होगा गोलापार दीदी की शादी में, और एक भैया की शादी है वहाँ बारात है, होने को। तो दोनों जगह बारात है, एक लेकिन एक जगह बारात आएगी, एक जगह यहाँ से जाएगी। तो दोनों शादियाँ अटेंड करनी है। वैसे जाना तो 2 जगह और था, लेकिन जा ही नहीं पाऊँगा क्योंकि डिफरेंस बहुत हो जाएगा। पहले गोलापार जाना है, फिर वहाँ नीचे रामपुर रोड जाना है, तो लंबा चौड़ा बहुत हो जाएगा, 2 ही जगह जा पाऊँगा। तो 2 शादी अटेंड करनी है, बने रहिएगा व्लॉग में। अब मैं सीधे आपको शादी में ही मिलता हूँ। तो गाइस पहुँच गए पहली शादी में गोलापार। सयूरी को अभी ये देखिए, ये बच्ची नगर नरेश है, मनीष सिंह क्योरा जी। स्मार्ट लग रहा है आज जो कोट पैंट है। तुझे स्पेशल लूंगा मैं जहाँ दिखेगा तू। कितना
इतना ज्यादा नहीं खाते हैं। गाइस ये हमारा है भाई भविष्य सिंह रावत और ये है मात्र 13 साल का। मैं दिखाता हूँ ऊपर से नीचे तक, कमेंट करके बताना है कितने साल का होगा। और सही में 13 साल का ही है। शर्मा क्यों रहा तू अब? ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा तगड़े वाली है। अब गैस होगा ना कमेंट बॉक्स में। नमक मिर्च, हल्की मिर्ची की कमी है, बाकी सब मौसम है, बाकी सब बराबर। डाल के भी लाया हूँ ऊपर से मिर्ची, लेकिन फिर भी नहीं हो रही। ये हमारी बहन है, ये किट्टू दी, ये किट्टू दी है कॉफी पीते हुए। ये हेमा रावत है, ये मौसी हमारी। अभी मैं उसमें दिखाऊंगा मम्मी और इनके साथ। अभी ब्लॉग नहीं है, मैं दीपक नहीं हूँ। तो गाइस बज गए हैं रात के 11 और निकल रहे हैं हम शादी से, अभी दूसरी जगह जाएंगे तो चलते हैं। पहुंच गए हैं दूसरी शादी में। Thank you.